दोस्तों एक बात कहूं, सैमसंग बहुत इंटरेस्टिंग फोन लॉन्च कर रहा है। अब ये इस साल का पहला फोन है सैमसंग गैलेक्सी F15 5G, बट कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स आते हैं। अब जनरली जब हम सैमसंग के बारे में बात करते हैं तो फ्लैगशिप फोन्स के बारे में ज्यादा बात होती है, लेकिन ये जो फोन है कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो सीरियसली मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। एंड देयर आर सम सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अनबॉक्सिंग करेंगे, फर्स्ट इंप्रेशंस देंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे आपको F15 के बारे में। लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर बजाइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए। बहुत सारी अच्छी चीजें F15 के बारे में। लेट्स ओपन। छोटा सा बॉक्स है व्हिच समटाइम्स आई डोंट लाइक एज अ अनबॉक्सर। बड़ा बॉक्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है तो अच्छा लगता है, बट नॉट विद दिस वन। ऑलराइट, दिस इज द फोन। ओके, सिम कार्ड टूल, देन नो डॉक्यूमेंटेशन, सरप्राइजिंग। ठीक है, USB Type-C to Type-C चार्जिंग केबल है। यस, टाइप A टू टाइप C नहीं दोस्तों, टाइप C टू टाइप C है। सो दैट्स अबाउट इट। दो ही चीजें आती है, तीन चीजें आती है बॉक्स में, सिम कार्ड, टूल, फोन एंड केबल। वैसे डॉक्यूमेंटेशन हमारे यूनिट में नहीं है, लेकिन जब आप लोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द डॉक्यूमेंटेशन। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द फोन। फर्स्ट हाथ में लेने के बाद क्या लगता है? स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड एंड आई डोंट माइंड, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी आती है इसमें। पीछे का डिजाइन देखूं तो जी हाँ, वो S सीरीज का जो डिजाइन लैंग्वेज है वही फॉलो होता है। जैसे जैसे कलर गिरता है थोड़ा चेंज होता है। दिस इज ग्रीन, इसमें ब्लैक एंड वॉयलेट कलर भी आता है। नहीं, ज्यादा फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, दैट इज थोड़ा बहुत दिखता है बट इतना ज्यादा नहीं। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो 3.5mm जैक है, माइक्रोफोन है, यूएसबी टाइप सी है, देन स्पीकर ग्रिल है राइट हैंड साइड में, पावर ऑन ऑफ है जो फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, एंड देन वॉल्यूम रॉकर है अप एंड डाउन, नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन भी आता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे है। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्यों मुझे ये फोन अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसकी प्राइस जो है, और दोस्तों 4 मार्च से अर्ली सेल ऑफर है जहां पे आपको ट्रैवल अडाप्टर मिल रहा है 1699 का, सिर्फ 299 रुपीज में। ये सिर्फ 4 मार्च के लिए। और अगर 4/128 वेरिएंट के बारे में बात करूं तो इसकी प्राइस 15999 है, बट लॉन्च ऑफर में 12999 में मिल रहा है। साथ में 1000 का बैंक कैशबैक भी है, सो नेट प्राइस 11999 है। 6128 जो है वो आपको मिल रहा है 14499 में, लेकिन अगेन 1000 कैशबैक है जिसकी वजह से 13500 के नीचे आपको मिल रहा है 6128। और उस प्राइस के हिसाब से फॉर अ सैमसंग फोन आई विल से इट इज एग्रेसिवली प्राइस। आपको पता चलेगा क्यों, पूरा वीडियो देखिए। लेकिन स्टार्ट करते हैं, नहीं स्टार्ट करना अभी टाइम है, पहले वेट। 200 ग्राम्स, दैट्स व्हाट इट इज, 198, 214 ग्राम्स है, इतना ज्यादा वेट नहीं लगता है। सो वेट डिस्ट्रीब्यूशन आई से इज गुड। हाँ, 6000 mAh की बैटरी है तो हैवी तो मैं समझ ही रहा था। इवन इन हैंड फील जो है दोस्तों स्लाइटली बड़ा है, एवरेज हाथों के लिए थोड़ा बड़ा जरूर लगेगा, बट दैट्स अबाउट इट। डेफिनेटली ऐसा नैरो नहीं लगता है, थोड़ा ब्रॉड लगता है। इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आता है। गिरा के तो देखने वाले हैं, कुछ भी हो, प्रोटेक्शन हो या ना हो। लेट्स डू दिस। यस, 1 2 एंड 2। नहीं दोस्तों, कुछ नहीं। 1 मोर। बैक से प्लास्टिक बैक है, नो प्रॉब्लम्स। 1 2 एंड बूम। Absolutely nothing। बाहर से देख लिया फोन को, अंदर से देखते हैं। आई थिंक अगेन इन दिस प्राइस रेंज अगर आप 4/128 वेरिएंट लोगे तो आपको अराउंड 13,000, अंडर 13,000 ये फोन मिलने वाला है। उसके लिए आपको 6.5 इंच का 90 हर्ट्स वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। ठीक है, 90 हर्ट्स है बट सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस प्राइस रेंज में नहीं मिलता है। जनरली इवन 13-14,000 में 120 हर्ट्स IPS LCD आपको मिलेगा, बट दिस इज गिविंग 90 हर्ट्स एमोलेड एंड आई लाइक दैट कॉम्बिनेशन रादर देन IPS LCD विथ 120 हर्ट्स। 90 हर्ट्स इज गुड, बट AMOLED जो कलर्स वगैरह आपको देता है दैट इज एक्सीलेंट। हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, लेकिन ये देखिए नॉच डिस्प्ले आता है, सो यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। बट जो डिस्प्ले है ब्राइट है, कलर्स बहुत अच्छे दिखते हैं, 800 निट्स ब्राइटनेस है, एंड विजन बूस्टर भी आता है तो सनलाइट में आप देख रहे हो तो थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। क्लियरली आपको आइकन्स एंड टेक्स्ट वगैरह दिखने वाले हैं। सो डिस्प्ले के मामले में अगेन एक्सीलेंट। फुल HD+ है, HD+ नहीं है, सिर्फ फुल HD। इस प्राइस में कभी-कभी HD+ भी मिल जाता है, बट दिस इज फुल HD+ विद वाइडवाइन L1, मतलब नेटफ्लिक्स में भी आप फुल HD स्ट्रीमिंग वगैरह कर पाओगे। और हाँ, लो लाइट में, रात को लो लाइट में आप इस्तेमाल करते हो डिस्प्ले, उसके लिए भी लो लाइट का सर्टिफिकेशन आता है SGS का, सो ब्लू लाइट की वजह से जो इश्यूज वगैरह होते हैं आपको वो नहीं होंगे। आगे बढ़ने से पहले क्विकली सिम कार्ड ट्रे देख लेते हैं। ऑलराइट, हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट आता है दोस्तों, सो या तो एक सिम कार्ड एंड एक SD कार्ड या फिर 2 नैनो सिम कार्ड्स आप इस्तेमाल कर पाओगे। 1 टेराबाइट तक आप टोटल स्टोरेज जो है वो एक्सपैंड कर पाओगे इसमें। राइट, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं एंड स्पेसिफिकेशंस वाइज आल्सो इट्स नॉट बैड एट ऑल। जी हां, ये आता है डायमेंसिटी 6100 प्लस के ऊपर। इसमें दो वेरिएंट्स है, 4GB 128GB एंड 6128। जैसे मैंने बताया 13000 के करीब आपको 4128 मिलने वाला है, 15000 के करीब आपको 6128 मिलने वाला है। बट मैं आपको एक बात बताता हूं, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय गो फॉर 6GB वेरिएंट। अगर मैं अंतुतु स्कोर्स के बारे में बात करूं तो 6128 आप लोगे तो 4 लाख के ऊपर, 4 लाख 10 4 लाख 20 के करीब स्कोर आता है। इसका स्कोर थोड़ा कम आता है। इसमें LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, 6000 mAh की बैटरी है एंड 25 वाट चार्जिंग आता है। इसमें रैम प्लस भी आता है, वर्चुअल रैम। जी हाँ, तो 4GB लिया तो 4GB मिलेगा आपको, 6GB लिया तो 6GB वर्चुअल रैम मिलेगा। मैं OS के बारे में कुछ चीजें बात करने वाला हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, सेगमेंट फर्स्ट है। एक तो दोस्तों ये आता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के ऊपर एंड उसके ऊपर आपको One UI 6.1 मिलता है, सो दैट इज ग्रेट। बट उससे भी ज्यादा ग्रेट ये बात है कि 13000 में हर एक कोई भी फोन आप लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 साल के मेजर अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देता है एंड वी से गुड। बट दिस वन F15 आपको 4 साल के मेजर अपडेट देता है। इसका मतलब आपको 15, 16, 17, 18 एंड्रॉइड 18 तक अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा दिस इज अ फ्यूचर प्रूफ OS के मामले में। एंड One UI दोस्तों, One UI के बहुत सारे फीचर्स भी इसके अंदर आते हैं। जी हाँ, One UI 6.1 में आपको नॉक सिक्योरिटी मिलता है, सिक्योरिटी फोल्डर मिलता है, सैमसंग वॉलेट है, स्मार्ट हॉटस्पॉट है। उसके बारे में बताऊं, हॉटस्पॉट आप शेयर अगर करते हो तो आप डेटा कि भाई इसके साथ सिर्फ 100 MB शेयर करना, और वो भी आपको पता चलेगा किस बैंड पे कितना उसने यूटिलाइज किया हुआ है, और 100 MB होने के बाद बंद कर देगा। सो स्मार्ट हॉटस्पॉट भी आता है एंड क्विक शेयर फीचर भी आता है। सो बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको नॉर्मल One UI 6.1 में मिलते हैं, इसमें भी मिलते हैं, इवन दो इट इज अ बजट सेगमेंट फोन। एक चीज कहूं, One UI हम जब सेटअप कर रहे थे फोन को तो टॉगल आता है कि आपको ये 4-5 एक्स्ट्रा एप्स जो है LinkedIn, Spotify वगैरह ऐसे ऐप्स हैं वो इंस्टॉल करने हैं या नहीं। सो दैट इज अ गुड थिंग, दे हैव गिवन ऑप्शन। अगर आप सेटअप करते समय वो अनचेक कर दोगे तो कोई भी एप्स इंस्टॉल नहीं होंगे। और एक चीज, इधर एक विजेट आता है जब आप सेटअप करते हो तो उधर रिकमेंडेशंस वगैरह आते हैं। बट द गुड थिंग इज आप जस्ट एक टैप कीजिए एंड यू कैन रिमूव इट। ऑलराइट, परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। 6100 प्लस है दोस्तों, अंततः स्कोर तो मैंने बता दिया। मीडियम सेटिंग्स पे आप गेमिंग कर पाओगे, 40 FPS पे अच्छी तरह से गेमिंग वगैरह कर पाओगे एंड बिंज सेशंस भी आपके होंगे। यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स क्योंकि 6000 mAh की बैटरी है। वैसे 6nm प्रोसेसर है तो डिसेंटली पावर एफिशिएंट प्रोसेसर भी कहूंगा। नॉर्मल यूसेज में आपको इसकी बैटरी दिन भर चली जाएगी, नो प्रॉब्लम। हाँ, 120 हर्ट्ज होता तो अच्छा होता, बट आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी मिल रहा है, 90 हर्ट्ज भी है। लेकिन एक बात कहूं, जैसे मैंने पहले भी बताया, 4GB मत लीजिए, 6GB लीजिए, यू विल फाइंड इट इवन मोर स्नैपी। हाँ, 90 हर्ट्ज है। अगर आप 120 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज पे आ रहे हो, यू नो, यू माइट थिंक कि यार स्लाइटली स्लगिश है, बट अगर आप 60 FPS से आ रहे हो, 90 FPS will definitely feel very snappy. But हाँ, that super AMOLED display. Anytime I will go with super AMOLED plus 90 Hz rather than IPS 120 Hz. That's for sure. मल्टीमीडिया के लिए दोस्तों, हाँ, as long as वो notch अगर you can ignore, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा होने वाला है। कलर्स अच्छे हैं, ब्राइट सैचुरेटेड कलर्स है। मोनो स्पीकर्स हैं जो लाउड है, क्लियर है। वैसे अगर आप ईयरफोन्स इस्तेमाल करोगे तो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। दोस्तों मैं कैमरा के बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि शायद मेरे हिसाब से this might be the best camera smartphone in this particular price range. जी हाँ, उसके बारे में बताने वाला हूँ सब कुछ। बट उसके पहले let's talk about sensors. सभी sensors आते हैं दोस्तों, side mounted fingerprint sensor है, face unlock है and हाँ, gyroscope भी आता है। So all sensors are there. Connectivity के बारे में बात करूँ तो 13 5G बैंड्स का सपोर्ट है। VoNR को सपोर्ट करता है, dual 4G multi Wi-Fi calling तो नहीं, VoNR को मतलब voice on 5G भी सपोर्ट करता है। So that is great. Dual band Wi-Fi आता है and Bluetooth 5.3 का सपोर्ट है। बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। वैसे मैंने Samsung Wallet के बारे में बात किया था। अब दोस्तों along with your cards you can also save that boarding pass वगैरह। आप frequent flyer हो तो boarding pass भी उसमें scan करके रख सकते हो। FM रेडियो नहीं है दोस्तों, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, सार वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं। आजकल ना जो भी ब्रांड्स इस प्राइस रेंज में अंडर 15,000 में फोन्स लॉन्च कर रहे हैं वो अल्ट्रा वाइड निकाल दे रहे हैं, नॉट विद दिस वन। जी हाँ, इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और आगे आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। अब हमने बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं और ओरिजिनल क्वालिटी में स्टोर करके रखे हुए हैं दोस्तों। G ड्राइव लिंक जरूर देखिए देखिएगा, बट माई फर्स्ट इंप्रेशन आर रियली गुड। जी हाँ, कलर्स वगैरह आप देखोगे बहुत अच्छे आते हैं। प्राइमरी सेंसर से जब आप फोटो निकालोगे नॉर्मल कंडीशन में तो आते ही है, इवन लो लाइट में भी दे कम आउट क्वाइट गुड। डायनामिक रेंज अच्छी है, शार्पनेस सीरियसली अच्छा है। अगेन इस प्राइस रेंज के बारे में बात कर रहा हूँ, दूसरा कोई भी फोन इस प्राइस रेंज में आप लोगे और कंपेयर करोगे, दिस वन क्लिक्स वेरी वेरी गुड फोटोग्राफ्स। और दूसरी बात सिर्फ क्वालिटी ही नहीं, अगर ऐप फीचर्स के बारे में भी बात करूं तो इस प्राइस रेंज में अगेन बहुत सारे फीचर्स निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रो मोड आता है, इसके अंदर फन मोड है दोस्तों, पोर्ट्रेट है, AR मोड वगैरह है, स्नैपचैट के बहुत सारे जो फिल्टर्स आते हैं वो आप इसमें भी इस्तेमाल कर पाओगे। फोटो वीडियो मोड है, पैनोरमा, फूड, नाइट, मैक्रो मोड, स्लो मोशन, हाइपरलैप्स, सब फीचर्स है। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं, फुल HD 30 FPS बैक एंड फ्रंट दोनों ही तरफ। ऑलराइट, तो मुझे Samsung Galaxy F15 के बारे में क्या लगता है, मतलब सीरियसली 3-4 चीजें इसकी स्टैंड आउट होती है। सोचिए, Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स प्लस 4 years के मेजर अपडेट्स मिल रहे हैं, दैट इज अ बिगी। दूसरा बिगी, 6000 mAh की बैटरी आती है, सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है, 90Hz का बट सुपर AMOLED डिस्प्ले जिसकी क्वालिटी अच्छी है। एंड फाइनली कैमरा सरप्राइज में, मुझे नहीं इतना एक्सपेक्टेड था कि भाई इतना अच्छा होगा, बट कैमरा इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ F15। एक दो छोटी चीजें ऑब्वियसली, वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले वगैरह है, दैट इफ यू आर ओके विद इट देन दिस इज अ रियली ग्रेट फोन। कैसे लगा वीडियो दोस्तों? आई होप जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में आंसर हो गए होंगे। अगर और भी कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इस वीडियो का कुछ फायदा हुआ तो जरूर लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एक बजट सीरीज में सैमसंग का अच्छा कैमरा फोन देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।